आता आम्ही गंगेचे बोटिंगची सफारी करणार आहोत, काही 24 गंगेचे घाट दाखवणार आहेत असं बोलतात ते, आणि सगळे घाट पाहून झाल्यावर संध्याकाळची गंगा आरती आपण पाहणार आहोत. ये घाट का नाम है राजा घाट, ये बालाजी बाजीराव पेशवा ये पुणे स्टेट के महाराजा का है. और यही देखिए हमारे काशी का, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर है जो मोदी जी बनवाए, 550 मकान को तोड़वा के ये कॉरिडोर बनाए. यही देखिए काशी का मेन घाट मणिकर्णिका घाट. आता आपण आहोत वाराणसी म्हणजेच बनारस येथील 80 घाट येथे. बनारस मध्ये आलो आपण आणि गंगा आरती नाही पाहिली तर मग तुम्ही काय पाहिलं? नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रभाकर भांशा आणि पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण वाराणसीमधील प्रसिद्ध घाट पाहणार आहोत, शिवाय संध्याकाळी 7 गंगा आरती सुद्धा पाहणार आहोत. तर आपण माझ्या पाठीमागे पाहत आहात हॉटेल आहे, हे हॉटेल आम्ही बुक केलेलं आहे. आमची माणसं आता थोड्याच वेळात बाहेर येतील, नंतर आम्ही जाणार आहोत घाट आणि गंगा आरती पाहण्यासाठी. इथे आम्ही गंगा घाटला जात आहोत, तर आपण इथे पाहू शकतो इथे छोटे छोटे गल्ले असतात आणि त्या गल्ल्यातून बाईक चालत असतात. इथून जवळच गंगा घाट आहे, पुढे आमच्यासोबत एक टूर गाईडसुद्धा आहे, घेऊन जात आहे आम्हाला. हे बघा इकडच्या बिल्डिंग बघा, पाहू शकता इथे केदार घाट आहे, गंगेचा केदार घाट म्हणून आहे. इथे आता आपण जाऊया, सगळी मंडळी सगळी पुढे गेलेत आमची. बघा हा गंगेचा केदार घाट आहे, पायऱ्या बघा, पायऱ्या खाली जाण्यासाठी. ये वाला जो घाट देख रहे हैं सर, ये वाला घाट हरिश्चंद्र घाट है, काशी का छोटा शमशान मंदिर. ठीक है, काशी का छोटा शमशान मंदिर. ठीक है, और एक मणिकर्णिका घाट बीच टाइप का बना हुआ है, इसके बीच में आपको 35 घाट आता है. यहाँ पे आपको काफी यात्रा होती है. राम जी रावण को मारे थे तो उनको ब्रह्मदोष लगा हुआ था, तो हरिचंद से लेके मणिकर्णिका तक काशी यात्रा की है. ठीक है, तो बोटिंग यहाँ से कर लीजिए. आता हमें गंगे से बोटिंग से सफारी करना हो, काही 24 गंगे से घाट दाखवणार आहेत असं बोलतात ते. जरा जाऊया बोटिंग मध्ये आणि सगळे घाट पाहून झाल्यावर संध्याकाळची गंगा आरती आपण पाहणार आहोत. चला आता आमचे बोट राईड चालू होते, सगळे फुल एक्साइटेड आहे, जिजा पण एक्साइटेड आहे. आणि आपण पाहू शकता समोर घाट आहे, काही गंगेची पूर्ण सफर आमचे होणार आहे. एक तास राहणार, एक तास, एक तास घाट का नाम है चौसठी घाट. ऊपर गली में 64 योगिनी माता का मंदिर है, जिनका
दरभंगा घाट है, बिहार स्टेट के महाराजा घाट दरभंगा जिला है ना, वहाँ के राजा घाट। ये फाइव स्टार होटल है, ब्रिज रमा पैलेस। इसमें एक दिन का स्टार्टिंग रूम रहेगा 30,000 रुपये। ये मुंशी घाट है, मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी कहानियाँ के लेखक थे, हिंदी राइटर उनका है, उनके नाम से चंदा इकट्ठा करके ये घाट बनाए, क्योंकि उनके पास ट्रेन खरीदने का भी व्यवस्था था। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पे उनका गांव है, लमई गांव। ये घाट का नाम है अल्लाबाई घाट, इंदौर महारानी अल्लाबाई होलकर जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का स्थापित किया है। और ये लाल वाला मंदिर देख रहे हैं ना, हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। ये घाट को बोलते हैं शीतला घाट, ये बड़ी शीतला माता का मंदिर है। और उसके बाजू में ये घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट, ये हमारे काशी का मेन घाट। यहाँ पे राजा दशरथ जो राम जी के पिता थे, उन्होंने यहाँ पे दशाश्वमेध घोड़े का यज्ञ किया था, इसलिए घाट को बोलते हैं दशाश्वमेध घाट। और ये लाल वाला मंदिर देख रहे हैं ना, ये घाट का नाम है प्रयाग घाट। जैसे इलाहाबाद त्रिवेणी संगम में प्रयागराज का घाट है ना, जो कुंभ मेला लगता है, जो लोग उधर नहीं जा पाता है कुंभ स्नान करने, वो लोग इधर कर लेता है, वहाँ का स्नान है और यहाँ स्नान कर लेंगे, एक ही मान्य माना जाता है। और ये घाट का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम से राजीव गांधी ने बनवाया। निशानी के तौर पर देखिए, पहले ये घोड़ा घाट इसको बोला जाता था, निशानी के तौर पर। वो रथ देख रहे हैं ना, क्योंकि जितने भी राजा महाराजा आते रहे यहाँ पे घोड़ा वगैरह अपना पार्किंग करते रहे, इसलिए इसको घोड़ा घाट बोलते रहे। बाद में इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से कर दिया। और ये घाट का नाम है मान मंदिर घाट, राजा मान सिंह जयपुर के महाराजा का, सिपाही मान सिंह। और वो जो बिल्डिंग पर दो टाइगर बना हुआ देख रहे हैं ना, ये महाराजा हरिचंद के मालिक का घर है, कालुआ डोम का, जिसके यहाँ महाराजा हरिचंद बिक के नौकरी किए थे। जो राजा हरिचंद घाट और मणिकर्णिका घाट, जो दोनों जगह बॉडी जलते हैं ना, उसका पैसा इन्हीं के पास आता है, ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं। ये घाट का नाम है त्रिपुरा भैरवी घाट, ये आसाम के राजा का है। ये घाट का नाम है मीर घाट, जो अलका होटल और गणपति गेस्ट हाउस देख रहे हैं ना, जो पहले के समय में जब सती प्रथा चलता रहा, तो मीराबाई जो थी उन्होंने यहाँ पे विडो आश्रम खोला था, अभी ये होटल में कन्वर्ट हो गया है, अलका और गणपति गेस्ट हाउस। लेकिन गणपति गेस्ट हाउस का नीचे का एक फ्लोर है, वो अभी भी विडो आश्रम चलता है, क्योंकि पहले की तरह अब प्रथा नहीं है। और वो देखिए पेड़ के पीछे मंदिर देख रहे हैं ना, जैसा नेपाल काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है ना, उसी तरह सेम ये मंदिर है, नेपाल के राजा ने बनवाया है। हाँ, वो ललिता घाट पे ही है। ललिता गौरी अम्मा का मंदिर भी है ना। और यही देखिए हमारे काशी का, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर है, जो मोदी जी बनवाए, 550 मकान को तोड़वा के ये कॉरिडोर बनाए, 550। अरे तो जिसके मकान का 2 करोड़ लड़ाई करोड़ था, उसको 4 करोड़ दिए थे, आराम से जाके आप कहीं ले लीजिए, आपको दिक्कत ना हो। ये पूरा लॉकडाउन में बना है, इसी के अंदर ज्ञानवापी मंदिर भी है अपना, जो मस्जिद था मंदिर है, पहले से ही मंदिर था, बनेगा आदेश मिल जाएगा तो अभी हम लोग गिरा दिया जाए जाके। यही देखिए काशी का मेन घाट मणिकर्णिका घाट, हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। मणिकर्णिका घाट इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे शिवजी और माता पार्वती स्नान करने के लिए आए थे, स्नान करते समय शिवजी का मस्तक का मणि और माता पार्वती का कान का कड़ी इधर गिर गया, इधर गिर जाने से उनको बहुत क्रोध आ गया, क्रोध में आने के बाद इधर में श्राप दे दिया, जहाँ जैसे मैं मणि और कड़ के लिए जल रहा हूँ, उसी तरह यहाँ की धरती 24 घंटे जलती रहेगी, तब से आज तक यहाँ पे 24 घंटे बॉडी जलती रहती है। जब ऐसा श्राप दे दिया तो पूरा देवलोक में हड़कंप हो गया कि भोलेनाथ ऐसा श्राप दे दिया। अभी काशी नगरी को ये इतना प्यार से बसाए थे भगवान भोलेनाथ ही बसाए, 9 खंड पृथ्वी है, 10वां खंड हमारी काशी नगरी है। काशी नगरी है ना, जो भोलेनाथ के त्रिशूल है ना, बीच के नोक पे बसी हुई है। हर जगह भूकंप प्रलय सुनामी आता है, लेकिन हमारे काशी में नहीं आता, काशी अभी नाथ, काशी का नाथ नहीं है।
और जब श्री कृष्ण। यहाँ से मान लीजिए आपका काशी यात्रा चालू हो रहा है, काशी पंचकोश यात्रा। बनारस मध्ये आलो आपण आणि गंगा आरती नाही पाहिली तर मग तुम्ही काय पाहिलं? गंगा आरती म्हणजे काय आता नेमकं? तर आपल्या भारत देशामध्ये नदी पवित्र नदींना एक देवीच्या स्वरूपामध्ये पूजलं जातं आणि त्यामुळेच आपण हा गंगा एक सगळ्यात महत्त्वाची नदी आहे आणि तिला एक देवी प्रमाण आपल्याकडे मानलं जातं आणि तिची आरती म्हणजेच गंगा आरती। तर आता आपण या अस्सी घाटावर गंगा आरती पाहण्यासाठी आलेलो आहोत आणि खरं तर संध्याकाळची गंगा आरती ही दशाश्वमेध घाटावरची प्रसिद्ध आहे। तसं तर बनारसमधल्या बहुतेकशा घाटांवर गंगा आरती ही होतच असते संध्याकाळची, तर इथेही होते आणि पण इथे सकाळची खूपच फेमस आहे। पण आता आम्ही सकाळी नाही संध्याकाळी आले त्याच्यामुळे आम्ही इथे आलेलो आहोत आणि आता आरतीची वेळ झालेली आहे। तर आता थोड्या वेळाने आरती सुरू होणार आहे। काय म्हणाल? 7 वाजता। आता 7 वाजता आरती सुरू होणार आहे। खरं तर आरतीचा टायमिंग हा चेंज होत असतो कारण जसं आपले ऋतू बदलतात आणि आपला सूर्यास्ताचा वेळ चेंज होत असतो तसंच आरतीचाही वेळ चेंज होत असतो। तर आता सूर्यास्ताच्या वेळेनुसार इथे आरती सुरू होईल। आता इथे आरतीची खरं तर सुरू हे सुरुवात आरतीची तयारी सुरू आहे। तुम्ही बघू शकता इथे हे जे छत्र्या आहेत लाइटिंग वगैरे केलेली आहे तिथे आरत्या होणार आहे। आणि हा गंगा आरतीचा उल्लेख स्कंद पुराणातही केलेला आहे म्हणजे ही अगदी पूर्वीपासून पूर्वकाळापासून इथे या घाटांवर आरती होण्याची एक परंपरा आहे आणि ती परंपरा अजूनही कायम आहे। गंगा आरती पाहण्यासाठी इथे खूप गर्दी होत असते त्याच्यामुळे आपली जागा निश्चित करण्यासाठी आपल्याला आरती सुरू होण्याच्या 2 ते 3 तास आधी इथे येऊन आपली जागा निश्चित करावी लागते कारण आपल्याला ती आरती नीट पाहता यावी यासाठी आपल्याला एक चांगलं ठिकाण बसण्यासाठी मिळावं म्हणून जरा लवकरच लोक येत असतात इथे। तर आता इथे बघू शकता तुम्ही लोक येऊन थांबलेली आहेत आरती सुरू होण्याच्या आधी आणि जे तरुण ब्राह्मण असतात ते हातामध्ये ते दिवे ओवाळून ते आरती करतात। ॲक्च्युली हा आरतीचा कार्यक्रम आपण एक कोरिओग्राफिक कार्यक्रम पण म्हणू शकतो कारण की एकाच तालासुरात आणि एकाच दिशेने ते हात फिरवतात आरतीचे त्याच्यामुळे हा एक कोरिओग्राफी केलेला एक कार्यक्रम आपण म्हणू शकतो। गंगा नदीकडे तोंड करून हे जे ब्राह्मण असतात तरुण ब्राह्मण ते सारखेच पोशाख परिधान करून आणि मंत्रोच्चार करून शंखनाद करून त्या आरतीला सुरुवात करतात। Thank you.
घाट लगे। Thank you.
आत्ता गंगा आरती संपन्न झाली आहे आणि आत्ता आम्ही परत ज्या घाटावर बोट पकडली त्या केदार घाटाकडे जाणार आहोत. त्या दरम्यान जे जे घाट आहेत त्यांची माहिती आता आपण पुढे पाहूया. तत्पूर्वी गंगा आरतीचा अनुभव मला तुम्हाला सांगावासा वाटतोय. गंगा आरती पाहून ऐकून फार मन प्रसन्न झाले. एक पॉझिटिव्ह एनर्जी आली. एक अद्भुत अनुभव. भान हरपून जाण्यासारखी ही गंगा आरती. काशीला आलात तर गंगा आरती पाहण्याचा आनंद जरूर घ्यावा. गुलरिया घाट, सीवाला घाट और डंडी घाट, उसके बाद हनुमान घाट, ये
ये पूरा सर नागा साधु हनुमान घाट जो है ना वो जूना अखाड़ा है। उसके बाजू में घाट का नाम है कर्नाटक घाट, मैसूर के राजा का कर्नाटक भवन। उसके बाजू में घाट का नाम है राजा हरिश्चंद्र घाट, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे ना, उनकी पूरी कहानी स्टोरी इसी जगह हुई है। वे अपने सत्यता का परीक्षा देते देते इसी जगह आके बिक के बॉडी जलाने का नौकरी करते रहे, इसलिए इस घाट को बोलते हैं राजा हरिश्चंद्र घाट। तो कहानी बहुत लंबा है, शॉर्ट में बताते हैं। इसी जगह से चार लोग जिंदा स्वर्ग गए, राजा हरिश्चंद्र, तारामती, रोहिदास, ये तीन लोग के लिए विश्वामित्र ने पुष्कर विमान मंगाया था। उनके जो मालिक थे कालुआडो, तो उनको भी वो बोले कि हमारे नौकर होके आप जा रहे हो, हम नहीं जाएंगे स्वर्ग। विश्वामित्र जी ने बोला कि तुम्हारा समय अभी नहीं हुआ है, तुम्हारा समय होगा तो जाना। फिर पुष्कर विमान उड़ने लगता है, तीन लोग बैठ के जाने लगते हैं, वो कल्लूडो ना उछड़ के लटक जाता है, पकड़ के पूरा लटक के वो स्वर्ग डूब जाता है। इसलिए बोलते हैं काशी में जीते जी भी स्वर्ग है, मरने के बाद स्वर्ग। ईश्वर का नाम आपका यात्रा था, यहाँ पे भी चलते हैं। यहाँ क्या है, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, लेकिन मणिकर्णिका घाट है ना, वहाँ पे 24 घंटे आते रहते हैं। जो रात की पहली बॉडी जलती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का कोई भी हो, 12:01 पे जो बॉडी आएगी उसका राग जो बच जाता है, बन के वो काशी विश्वनाथ मंदिर में ना भस्मा आरती के लिए जाता है। जैसे उज्जैन में होता है ना ओंकारेश्वर मंदिर में भस्मा आरती आते हैं, इसी तरह सेम इसी जगह होता है। उसके लिए आपको 2 दिन पहले टिकट बुक करवाना होगा, अगर वो आरती देखना है तो आज बुक करेंगे तो परसों का आपको टिकट मिलेगा। आप देखिए आज बुक करें, आज का मिल जाए कल का मिल जाए तो वही बुक कर सकते हैं। ये आपका स्वर्गधाम यात्रा हुआ है, जो राजा हरिश्चंद्र घाट से महापंचकोश यात्रा बोलते हैं, राजा हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट। ये पंचकोश यात्रा पूरा होने के बाद यहाँ से केवट को दान दिया जाता है। केवट किसको बोलते हैं, हम दोनों को। अब जो बोट का पैसा वो मालिक है। अगर आप लोग का श्रद्धा होगा, आप लोग का खुशी होगा, तो अपने अपने हाथ से जो भी यहाँ केवट को देना चाहते हैं तो दे सकते। तर मित्रांनो, आम्ही जिथून बोट पकडली होते ना, तिथे पूर्ण आता आलो आहोत, जो केदार घाट आहे तिथे। आता आम्ही बोटच्या बाहेर आलेलो आहोत, आता हॉटेल आहे तिकडे जातो आहोत।